फ्लिपकार्ट ने ये क्या किया पता नहीं, जो व्लॉग बनाने में साथ देने के लिए था, लेकिन ये दोनों को टाइम पास करने के लिए मिल गया। मजा आ रहा है इसको तान के। तो पैकेजिंग था वो मेरा सबसे अनसेटिस्फाइड था, टोटली अनसेटिस्फाइड था। तो ये मेरा मोबाइल मोटो व्लॉग सेटअप कंप्लीट। चलो देखते हैं राइड करके। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज हम लोग मेरा न्यू हेलमेट का अनबॉक्स करने वाला है। तो ये जो वेगा का है, वेगा वॉल्ट सुपर हीरो ब्लैक ग्रे में, तो आज हम लोग इसको अनबॉक्स करेगा और देखेगा कि मेरा नया हेलमेट कैसा है। और हमने नया मोटो व्लॉग सेटअप भी मंगवाया है, क्योंकि मेरा पहले वाला था वो टूट गया था मेरा, आपको दिखाया होगा। और जो मेरा मोबाइल होल्डर था वो भी चोरी हो गया था, तो उसके लिए भी नया लिया है। तो आज तो अनबॉक्सिंग करेगा और देखेगा कि मेरा हेलमेट और बाकी सामान कैसा है सेटअप। अब देख सकता है पैकेज बहुत सस्ता से है, इसमें कोई भी सील नहीं है, मतलब पैक नहीं किया, पूरा पूरा खुला में है ऑलरेडी डायरेक्ट। फ्लिपकार्ट ने क्या किया पता नहीं, आई थिंक मेरा सबसे थोड़ा सेफ्टी के साथ ठीक होना था, पर सेफ्टी भी कुछ भी नहीं दिया हेलमेट में, सिंपल डायरेक्ट कार्टून में ऐसे है फ्लिपकार्ट से। आई होप हेलमेट ठीक हो सही सलामत। अब ओह बैग में, हैंड बैग में है, खराब सस्ता है। सो गाइस, ये है मेरा न्यू हेलमेट। साइज चेक कर लेगा, हम एल मंगवाया था, साइज एल सही है साइज। तो थोड़ा सा चेक कर लेगा कि कुछ डैमेज है क्या बोल के। प्रोडक्ट तो काफ़ी सही तरीका से आए, लेकिन जो पैकेजिंग था वो मेरा सबसे अनसेटिस्फाइड था, टोटली अनसेटिस्फाइड था। थोड़ा सेफ्टी के साथ और थोड़ा अच्छा सा पैकेजिंग ऐसा ज़्यादा सुंदर होना था। पहन के भी दिखता है कि दिखता कैसे ही है। टाइट है तो ये लास्ट दिया था, पर थोड़ा सा टाइट तो है, हेलमेट ऐसा ठीक होगा तो वैसा लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका लुक कैसा है, वो क्या देख सकते हैं कुछ ऐसा है पहनने से, तो काफ़ी टाइट है। तो अभी हम लोग इसमें जो मेरा मोटर बॉक्स सेटअप है उसको लगा के देखेगा फिटिंग ठीक होगा कि नहीं इसमें। तो ये है मेरा नया मोटर बॉक्स सेटअप, जो न्यू मंगवाया था, पुराना वाला तो टूट गया मेरा। इसका अनबॉक्सिंग हम ऑलरेडी बहुत पहले से कर दिया, क्योंकि घर में ये काफ़ी समय से आ गया था, हेलमेट को आने में देरी हो गया था। तो मेरा न्यू मोटो व्लॉग सेटअप ये है, ये डायरेक्ट फिक्स है वाला, पहले वाला जो एक्शन का था, एक्शन हीरो का था, तो उसमें अलग से लगाना पड़ता था, लेकिन ये डायरेक्ट फिक्स वाला है। उसके बाद इसमें मिला है हमको ये दो, और ये तो मेरा पुराना है, लेकिन ये मिला है ना, जो मेरा मोटो व्लॉग सेटअप में ये मिला है। तो चलो इसको लगा के दिखता है कि कैसा होगा। तो कुछ ऐसा लोग देख सकते हैं, पहले का जो मेरा हेलमेट था उसका कंपेयर में तो ठीक ही है, इसमें लगाने के लिए इजी भी है थोड़ा बहुत। तो ये मेरा मोटो व्लॉग सेटअप रेडी हो गया। तो जो नया ये मोबाइल होल्डर था इसको भी लगा लेगा कि कैसा है होल्डर। तो ये है मेरा नया मोबाइल होल्डर, ये, और इसको खोलने के लिए एक्स्ट्रा से ये मिला है, इसको खोलने के लिए। तो इसको भी लगा के देखते हैं, ढीला हुआ, कुछ लगाना पड़ेगा, फोन टेस्ट करता है। तो ये मेरा मोबाइल मोटो व्लॉग सेटअप कंप्लीट। तो अभी हम मोटो व्लॉग बना सकते हैं अभी,
तो अभी हम लोग डायरेक्ट दिखता है कि राइड करके ये व्यू अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों जो वेजर में जो प्लास्टिक मिला था उसके साथ खिंचा तानी कर रहे हैं ये जो तो ये दोनों मेरा जो व्लॉग बनाने में साथ देने के लिए था, लेकिन ये दोनों को टाइम पास करने के लिए मिल गया। कितना तान ये रो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको तान के। तो ये हम लोग का दोस्त कोरिया से आया है, कपड़ा भी देख वहाँ से लेके आया। चलो देखते हैं राइड करके। यारा फोन तो लाया नहीं है तो बिना एयरफोन के बना के देखेगा वापस जाएगा ना डायरेक्ट। तो हम वापस आ गए अपना घर और आप लोग देख चुका हो कि मेरा नया मोटो व्लॉग सेटअप कैसा है बोल के, और आप लोग को हर एक सामान का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देगा, आप लोग वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप लोग भी बाई करना चाहता है तो। और जो हेलमेट हम लिया था वो हमको तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसा लगा मेरा नया हेलमेट बोल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।